आज के वीडियो में आपको अटल पथ का जो इनॉग्रेशन हुआ है उसका पूरा डायरेक्शन, किधर से आना है, किधर जाना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। आइए दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर नया सा दिखता है। ये दरोगा राय पथ है जो सामने आप देख रहे हैं, आर ब्लॉक ग्लोमर के तरफ निकलता है। यहाँ पर इधर महिला विकास निगम जाने का रास्ता है और इस तरफ इसका सर्विस लेन है जो लोहिया पथ चक्र है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक तो वे ये हो गया, दूसरा वे ये हो गया, तीसरा ये हाई कोर्ट के तरफ चला जाता है रास्ता, और चौथा ये है जो अंडर पास होकर के जो अंडरग्राउंड से हम आते थे और ये आपका इस तरफ से आता था रास्ता, वो है अंडरग्राउंड की तरफ से, और उधर से भी एक सर्विस लेन है। बाकी क्या कुछ इसमें बदलाव है, क्या कुछ देखने को मिलता है, वो हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पर इनका रोड मार्किंग वगैरह पीले रंग का है, लाइटिंग वगैरह भी लाइट जल रहा है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, और ये एक खूबसूरत सा लुक आता है। पहले जब पिछले बार जब मैंने अपडेट देने आया था तो ये पूरा स्लैब यहाँ पर रखा हुआ था और स्लैब के कारण हम इधर से नहीं जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि चालू हो गया है तो अब हम आपको इसकी अपडेट देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर केबल स्टेट ब्रिज आपका चालू हो चुका है और अब एक मार्ग लोगों को मिल गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मॉस्टेक किया हुआ है, इधर केबल स्टेट है। कई बार हम इसका अपडेट बाहर से बाहर या फिर अंदर से अंदर आकर के देते थे, कितना मुश्किल होता था। अभी ये आपको बेली रोड की तरफ जाने का रास्ता है, वो जो गाड़ी आ रही है उससे धोखा मत खाइएगा, ये रास्ता नहीं है उधर से आने का, ये रास्ता है जाने का, जहाँ तक मुझे जानकारी हुआ। और देखिए फिनिशिंग वर्क यहाँ पर चल रहा है, लोहे के बड़े बड़े ये लगाए जा रहे हैं, देखिए लाइट में, ताकि कोई लाइट को कोई नुकसान न पहुँचाए। देखिए लाइट का ये बड़ा बड़ा ये लगाया गया है एंगल नुमा, ताकि लाइट सेफ रहे, ये देख सकते हैं, ये देखिए। और ये आपका अटल पथ सामने दिख रहा है, हड़ताली मोड़ के तरफ आप जा रहे हैं और ये लोग कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए भी इधर आ रहे हैं। तो जो यहाँ पर ये काम है लाइट में लगाने का लोहे का, वो यहाँ पर ये लोग बल्क में कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर अभी कुछ काम जो फिनिशिंग वो तो चलता ही रहता है, इनॉग्रेशन के बाद भी थोड़ा बहुत काम जो रहता है वो चलता रहता है। तो रेलिंग से आप इधर से उधर नहीं जा सकते, एक बार अगर आपने रास्ता गलत चयन कर लिया तो जहाँ पर आपको कट मिलेगा वहीं पे आप जा सकते हैं। ये देखिए ये खूबसूरत सा आप कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। सामने आपको हड़ताली मोड़ पे जो अटल पथ का फ्लाई ओवर है वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये सर्विस लेन जो दरोगा राय पथ के तरफ से आ रहा है, वो आपको ये सर्विस लेन आपको बेली रोड की तरफ यानी कि उस ब्रिज की तरफ ले करके जाएगा, ठीक है। अब ये जो रास्ता है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला भी जो है, ये इसका भी क्या यूज है, ये चढ़ रहा है वहाँ, ठीक है। अब ये रास्ता आपका आ रहा है उधर से, जो बोरिंग केनाल रोड जो अभी अनकम्प्लीट है, जो काम चल रहा है उसका वो है, ये रास्ता उधर से आपका आ रहा है, मतलब कि जो इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ से जो रास्ता आएगा इधर से लेकर के इधर जाएगा। सामने केबल स्टेट ब्रिज है, ये इधर का हिस्सा क्या है वो तो हम आपको बताए ही थे, दिखाए ही थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम आपको और दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये रास्ता, ये सीधा अभी फिलहाल जब तक बोरिंग रोड केनाल रोड वाला नहीं बनेगा तब तक, वहाँ देखिए उधर से भी एक लाइन है जो आप अगर आते हैं, मतलब अगर गोल चक्कर लेना है आपको तो यहाँ पर एक यू टर्न का भी काम ये करता है, ये देख सकते हैं। इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये चढ़ने का उतरने का, यहाँ पर ये उस तरफ आपको जाने का है जो पिछले बार हम आपको दिखाए थे। ये उस दिन कंक्रीट हो रहा था जिस दिन हम वीडियो बनाने के लिए आए थे, अब ये कंक्रीट हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कई वेज हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगे, आपको आपके रास्ते का हम मददगार बनेगा। तो ये यहाँ से सीधे हम उतर करके, यहाँ से सीधे अगर हमको जाना है इनकम टैक्स गोलंबर के तरफ तो हम यहाँ पे ये पकड़ के सीधे चले जाएँ। तो ये आपका ये है सीधा एकदम, मतलब कि कोई टेंशन नहीं है, आपको इनकम टैक्स जाना है यहाँ से चढ़िए और इधर से चढ़ करके आप सीधा ये हो जाते। एक रास्ता तो दरोगा राय पथ के तरफ से आप आते हैं तो यहाँ से आप चढ़ करके चले जाते हैं, दूसरा हड़ताली मोड़ के मतलब कि बोरिंग किनार रोड की तरफ से जो सर्विस लेन आ रहा है वो आपका यहाँ है। सामने आपका म्यूजियम आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं तस्वीरों में। तो एक तो आपको ये हो गया, इधर गैलरी भी लग रहा है, तो ये देख सकते हैं ये सारा कुछ
काम यहाँ पर हुआ है आपके लोहिया पर चक्र का। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा कुछ हुआ। सामने आपका बिहार म्यूजियम भी दिख रहा है और रोड पर जो ट्रैफिक है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये सर्विस ट्रेन आपका उस तरफ से आ रहा है। इसका इनोग्रेशन गंगा पथ का जब हुआ था इनोग्रेशन तभी हुआ था ये वाला जो फ्लाईओवर। अभी इधर कई काम बचे हुए हैं। उस तरफ थे उधर से इस तरफ आ गए, इस तरफ आए और यहाँ पर देखिए इनका एक अंडरपास जो अंदर की तरफ जा रहा है। दो फ्लाईओवर उधर से सामने से बेली रोड से जो सगुना मोड़ के तरफ से आ रहे हैं और जिनको जाना है वो उस फ्लाईओवर की मदद से आ रहे हैं जा रहे हैं। जिनको अगर बोरिंग कैनाल रोड जाना है तो वो अंडरपास की मदद से यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं यहाँ। और जो इस तरफ से इनकम टैक्स गोलम्बर की तरफ से आ रहे हैं, बिहार म्यूजियम की तरफ से आ रहे हैं या फिर डकवंगला चौराहा है वहाँ से आ रहे हैं तो वो अगर उनको जाना है तो सीधे तो जाएंगे। अगर उनको इधर दरोगा पथ में जाना है तो इस रास्ते की मदद से इधर से चले जाएंगे। ये जाकर के भी मिल जाता है। एक दो तीन चार पाँच छः रास्ते यहाँ पर आपको एक साथ दिख रहे हैं जो आपको मतलब कि इंटरचेंज है और आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बस गाड़ी को कायदे से चलाइए, नियम से चलाइए। देखिए लोग कितना आसानी से इधर बढ़ गए तो ये जाकर के वहाँ पर मिल रहा है। तो हम आपको एक चक्कर सा दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है और कितना अच्छा हो गया है, अब लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आपको हम इधर से लेकर के चल रहे हैं। ये आपका एक तो ऊपर से रास्ता जा रहा है, देखिए कैसे जा रहा है रास्ता। तो 19 को इनॉग्रेशन होने वाला था लेकिन 17 को ही इसका इनॉग्रेशन हो गया। अच्छी बात है, अब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ड्रेनेज के लिए, पानी के निकास के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये सारा होल नुमा बनाया गया है। ये देख सकते हैं पानी का निकास के लिए गहराई भी दिया गया है, लाइट भी दिया गया है रोड के लिए ताकि लोगों को पता चले कि किनारा कहाँ तक है। और ये देख सकते हैं एक हड़ताली मोड़ के तरफ, दूसरा उस तरफ जिधर हम गए थे अभी, और तीसरा ये जो कि उधर से आ रहा है बेली रोड के तरफ से वो आ रहा है। इधर देख सकते हैं इधर आपका हड़ताली मोड़ ये है और इधर बोरिंग कैनाल रोड की तरफ आपका रास्ता जा रहा है। जो काम बचा हुआ है और काम होना अभी सब बनना बाकी है, इधर से जब हो जाएगा तो एक नई कनेक्टिविटी बोरिंग कैनाल रोड से आने वाले लोगों को मिल जाएगी और एक नया रास्ता होगा, एक स्मूथ आगमन होगा लोगों का। ये देख सकते हैं काम चल रहा है और जल्द से जल्द इसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है और बड़े लेवल पे यहाँ पर देखते हैं काम यहाँ पे चल रहा है। ये देख सकते हैं और इस तरफ फिनिशिंग वर्क जो साइड पाइप लगता है वो पाइप लगाने के लिए ये लोग यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं और उसको बारीकी से कर रहे हैं। वहाँ से जा कर के फिर हम वापस आ गए इस और वापस आकर के आपको फिर से दिखा रहे हैं। ये देखिए फुटपाथ यहाँ पर बचा क्या है, तो यहाँ पर डायरेक्शन के किसको किधर जाने के लिए ये रास्ते बनाए गए हैं। और ये रास्ता इधर से आपको दरोगा राय पथ सीधा आप निकलेंगे, दरोगा राय पास जाना है तो अभी हम इसी रास्ते से चलेंगे। और अभी वो अंडरपास का हमने यूज नहीं किया है, उस अंडरपास को भी हम यूज करेंगे कैसे जाना है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मेन आपका ये जो 6 मार्ग बनाए गए हैं ये आपको इधर से दिख रहा है, मतलब कि इनकम टैक्स गोलम्बर इधर है, डकवंगला चौराहा इधर है, बोरिंग रोड जाने का रास्ता इधर है, बिहार म्यूजियम का दीवाल ये है और यहाँ पर आपको ये सारा दिख रहा है। 6 डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 अब 6 रास्ते हैं। अब मैंने आपको ये 2 रास्ते चल करके दिखा दिए, 2 तो सीधा सगुना मोड़ जा रहा है, एक उधर बोरिंग कैनाल रोड की तरफ जा रहा है जो अभी ये है और इधर ये आपका दरोगा राय पथ की तरफ जा रहा है और बाकी तो दरोगा राय पथ की तरफ से आ ही रहा है। तो चलिए चलते हैं। डायरेक्शन बोर्ड का लगना बहुत ज़रूरी है, प्लांटेशन का भी ख्याल रखा गया है। ये देखिए पौधे भी लगाए गए हैं छोटे छोटे। हालांकि पौधों के बारे में हम हमेशा कहते रहते हैं कि जब आप अलाइनमेंट पे आते हैं किसी चीज़ के निर्माण के लिए, चाहे वो हाईवे हो एक्सप्रेसवे हो, तो अलाइनमेंट पे आप पौधे लगा दें ताकि जब तक आपका रोड बने, आपकी सड़क बने, आपका पुलिया बने, तब तक पौधे
बड़े हो जाएं, अपना आकार ले लें और लोगों को छाया फल जो भी है वो देने लायक रह जाए। और जो मतलब कि सखुआ वगैरह का है, शीशम वगैरह का जो है, चंदन वगैरह का जो महंगी लकड़ियां हैं उसको लगाएं, ताकि रोटेशन वाइज लगाएं, ताकि उसका यूज भी किया जा सके, ऐसा मुझे लगता है। बाकी छोटा मुंह बड़ी बात कितना करूंगा। फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां पर ब्रेकर भी है जो काफ़ी पहले लगाया गया था, और यहां पर ये डायरेक्शन है, यहां पर इधर से, अच्छा इधर से भी रास्ता है, ये आपको हाई कोर्ट लेकर के चला जाता है। हाई कोर्ट की तरफ से जो रास्ता मैंने आपको दिखाया था शुरू में वो यहीं पर आकर के मिलता, पहले यही मार्ग हुआ था, जब ये बन रहा था तब यही मार्ग था, इसी से लोग आते थे जाते थे। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं फिर हम चल रहे हैं पुल के तरफ। अब अंतर से कितना है कि ये हम आ गए हैं बाहर से बाहर, मतलब कि हम अंडरपास में प्रवेश नहीं किए, अंडरपास में प्रवेश करने के लिए हमको फिर से आना पड़ेगा। ये बाहर का सर्विस लेन हमको लेकर के उधर से आ गया है, ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये बाहर बाहर हम यहाँ पर हम पहुँचे। कितना पुराना बड़ का पेड़ है ये, तो ये बाहर बाहर आ गए हैं। इस तरफ चार रास्ते मैंने पहले ही बताया, एक जो आ रहा है जो आपको जाना है सीधा बेली रोड चल जाएंगे, दूसरा ये है जो आपको हड़ताली मोड़ के तरफ या फिर बोरिंग कैनाल रोड के तरफ लेकर के जाएगा, लेकर के आएगा। ये देखिए इस अंडरपास में कितना मुश्किल से हम काम होते हुए दिखाते थे, कितना पानी का प्रॉब्लम था यहाँ पर, कहते कि सोन नदी का जो यहाँ पर नीचे पानी का सोर्सेस था वो किस तरह से निकाला गया, कैसे कैसे इसको बनाया गया, कितना कष्ट हुआ है। देखिए फ्लाई ओवर जो ऊपर हम ऊपर से गए थे, और ये आपका नीचे, मतलब पानी के जमाव को, मतलब पानी का जमाव ना उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। जब तक बोट नहीं रहेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन किस डायरेक्शन का है, उसे तो अखबारों में डायरेक्शन बता दिया गया है लेकिन अखबार तो लोग लेके चलेंगे नहीं, बोर्ड लगाना जिससे हो। यहाँ पर देख सकते हैं फिर हम आ गए यहाँ पर, अब इस तरफ से देखिए यहाँ भी चार रास्ते आपको दिख रहे हैं, एक दो दूसरे रास्ते हम चल रहे हैं, तीसरा और चौथा। तो जो तीसरा नंबर है वो आपको उधर लेकर जाएगा, पहला जो आपको मैंने बोला बेली रोड लेकर के जाएगा तो वो है, और ये है एक जो विश्वेश्वरैया भवन वहाँ जो निकलेगा उस पार, तो वो जो ऑटो आ रहा है वो है। तो ये है यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी दिया गया है, जिनको यू टर्न लेना है यहाँ से भी यू टर्न ले सकते हैं, उनको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं चार रास्ते, और ये उधर से आने वाला रास्ता जो आपको उस पार से लेकर के आ रहा है, और ये जो रास्ता है इस रास्ते को प्लांटेशन मतलब कि पार्क के लिए इसको रखा गया है, इसका भी अभी काम होना है। यहाँ पर तीन चार पेड़ हैं, बाकी जो प्लांटेशन का काम है वो काम यहाँ पर भी बचा हुआ है। और ये देखिए ऑटो कितना आसानी से उस तरफ से आ रहा है और इस तरफ से लेकर के जा रहा है, बस रफ राइडिंग मत करना यार, रफ राइडिंग करने से बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पे भी आ गए, देखिए जैसे लाइट लगा हुआ है सफेद पोल पे, जैसे से रोशनी कमेगा जैसे उसकी खूबसूरती बढ़ेगी। और ये देखिए इस तरफ से हम सीधे बेली रोड में पहुँच गए। तो एक तो ये रास्ता है जो आपको यू टर्न का काम कर रहा है, एक सर्विस लेन जो उधर से आ रहा है पथ की तरफ से, और एक सर्विस लेन जो अटल पथ की तरफ से आ रहा है, तो दोनों का कनेक्टिविटी यहाँ पर एक तरह से देखिए तो मिल जा रहा है। ये पूरी तरह से आप समझ लीजिए वो अटल पथ, ये दरोगा राय पथ की तरफ से आ रहा है और ये भी दरोगा राय पथ की तरफ से है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो अपने शहर को खूबसूरत बना रहा है। आपको बताने के लिए देखिए कितना रफ है, ये देखिए बदमाशी, मतलब इस तरह से भी गाड़ी चलाता है ना कि जैसे लगता है कि बस बन गया है अब इसका यूज़ करना है। अब यहाँ पर इस तरफ से आपको दिखा दें, हम फिर इधर से रोड को क्रॉस करके अंदर से अंदर हम उस तरफ चल रहे हैं, और ऊपर से आपको हम दिखाएंगे कि जो बोरिंग कैनाल रोड में जो काम चल रहा है, जैसे पिछला बार हम दिखाएंगे कितना काम बचा हुआ है, ऊपर से ही देखने को देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं, उधर से भी एक डायरेक्शन है जो आपको बोरिंग कैनाल रोड की तरफ लेके जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर ये सारा कुछ। अब जब तक यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड पैक तो लग गया है, डायरेक्शन बोर्ड लगना बाकी है, डायरेक्शन बोर्ड लगेगा तभी पता चलेगा किसकी एंट्री यहाँ पे सही है किसकी एंट्री गलत है,
किसको एंट्री करना चाहिए, किसको एंट्री नहीं करना चाहिए, किधर से किसको जाना चाहिए, ये अटल पथ जाने का रास्ता। फ्लाई ओवर पे यहाँ पे देखिए, इसका भी तो इनोग्रेशन पहले हो गया था, लेकिन इसका अभी जो ये है वॉल है लोहे का वो नहीं लगा था, पेंट वगैरह हो रहा है। पेंट तो ऐसे अपना पूरा पटना चकाचक कर रहा है। यहाँ पे जो माननीय राष्ट्रपति आई हैं उनको ध्यान में रख करके, और दशहरा भी, हर दशहरा में हमारा पटना बहुत चकमक चकमक होता है। और यहाँ पर देखिए, ये आपका पूरा आपको दिखा रहे हैं, ये काम आपका बचा हुआ है जो पिछले बार हमने बताया था। इसमें भी अंडरपास है, दो अंडरपास है देखिए, और ऊपर से भी कुछ है जो ऊपर से बन रहा है सामने वो है। तो ये सारा काम यहाँ पर अभी ये बोरिंग केनाल रोड का बना हुआ है, और इसको बनने में हमको लगता है कि अगर कंक्रीटिंग का प्रोसेस चलेगा तो मुझे लगता है कि दीपावली के आसपास में इसको चालू होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो जो भी काम हो ठोस हो, बस इतना ये रखना है। यहाँ पर देखिए कितना आराम से लोग आ रहे हैं। तो आपको कई रास्ते हमने आपको दिखा दिए हैं, जिन रास्तों से हम चल करके आए हैं, और आपको आपकी मंजिल तक ये रास्ते ले जाने के लिए जो बनाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।